हेलो गाइज, एक अच्छी अपडेट है। रेलवे मेट्रो के अंदर एमपी से निकली हुई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर खासकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी मेट्रो में, तो भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ रीजन्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसके अलग अलग विज्ञापन हैं। स्टार्टिंग डेट 2 मई से स्टार्ट हुए हैं। देखिएगा, पहला विज्ञापन ये रहा सुपरवाइजर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी, इनकी अलग अलग दे रखी है। ये दोनों ही अलग अलग विज्ञापन हैं। जैसे कि बात की जाए तो उसमें एक और विज्ञापन जारी हुआ है जो 25 अप्रैल को जारी हुआ था, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप लोग। जबकि अपन बात करें इन 22 मई को जो अलग अलग विज्ञापन हैं, उनकी मैं बात आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। ये सारी डिटेल्स मुझे इसके ऑफिशियली साइट पे मिली है, और अगर आप लोग इसकी इसके लिए योग्य हैं या फिर इसमें आवेदन कर सकते हैं तो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। मैं ये दोनों विज्ञापन आप लोगों के लिए ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों को इसके ऑफिशियल साइट का लिंक दूंगा, आप खुद जाके इसका आवेदन कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। वैकेंसीज अच्छी खासी पोस्ट हैं, ऐसा नहीं कि एक या दो पोस्ट हैं, एक से ज़्यादा भी पोस्ट हैं। और SC ST OBC जनरल सारी कैटेगरीज को यहाँ पे रिक्यूर किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें, ये इसका ऑफिशियल विज्ञापन है। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लीजिएगा, मैं पूरी चीज़ें एक साथ क्लियर करवाऊंगा। अगर फिर भी कोई बाई चांस डाउट रह जाता है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो के बारे में, और ये 28 अप्रैल को विज्ञापन जारी हुआ था, और ये रिक्वायरमेंट फॉर वैकेंसी दे रखी है, जिसमें आप लोगों को पोस्ट नेम वर्क एक्सपीरियंस के साथ और जो होगा एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज है उसमें जनरल OBC SC ST और EWS कैटेगरीज को रिक्रूट किया गया है। बैचलर डिग्री के साथ पास आउट है तो आप लोग लगा सकते हैं। शुड बीन एक्सपीरियंस रेल मेट्रो रेल कॉरपोरेट रेलवे के अंदर होना जरूरी है। अगर रहा एक्सपीरियंस या अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा आपके पास, तो इसमें जरूर आप लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ें और डिटेल्स के बारे में जाने, तो यहाँ पे देखिएगा सुपरवाइजर की पोस्ट है जिसमें बीटेक मांगी गई है। आईटी वाले विद्यार्थियों की रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए मैट्रिक और आईटी जो पोस्ट है उनके लिए टोटल वैकेंसी 5 पोस्टें दे रखी, जिसमें जनरल की 2 है, OBC की 1 है, SC ST सब कैटेगरीज की 1 है। तो इस तरीके से आईटी NCVT SCVT का सर्टिफिकेट भी इसमें अलाउ किया गया है। जबकि अपन बात करें आईटी वाले विद्यार्थियों के लिए और भी दे रखी है, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास हो तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अब आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें ये देखिएगा, इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सीधा क्वालिफिकेशन। और जबकि इस वाले पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, तो कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस होगा, कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये थोड़ा ध्यान से रख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी आप लोगों को ग्रेड पे 1-7 के अनुसार मिलेगी, तो अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत सैलरी मिलकर रहेगा, तो इसका अच्छा लेवल रहेगा स्टार्टिंग में ही, तो आप लोग इसमें ये कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं अपन, तो एलिजिबिलिटी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह योग्यता वगैरह आपके पास है, तो इसके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, और वहां से जाके आप लोग इसके जो ईमेल आईडी है या फिर वहां से सबमिट करने का तरीका है, वो वहां से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 2 मई से, यानी कि इसकी कल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 28 मई तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके भी अपन आगे बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेसर के लिए इसमें जो बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह का दे रखा है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लेके जा सकते हैं, और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका एग्जाम होगा, उनके लिए यहाँ पे अलग से रीजन दे रखा है। तो दोस्तों ये छोटी चीजें थी, और ये छोटी चीजें आप लोगों को देखनी होगी। अब देखिएगा, आवेदन करने की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ये रही इसके ऑफिशियल साइट, और यहाँ से आप मैं सभी अपन यहाँ से सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। ऐसा नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर किस एमपी के ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, इसमें सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। भारत के सभी स्टूडेंट्स के लिए आवेदन होगा यहाँ पे। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट दी है, और छोटी सी अपडेट में चीजें समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं।
और एक नई भर्ती है मेट्रो के अंदर, और इसकी दोनों में ही अलग अलग वैकेंसीज़ देखी गई। ये एक और विज्ञापन है, इसमें करीबन 55 पोस्टें टोटल वैकेंसी दे रखी है, लेकिन ये रेल वाले विद्यार्थी होंगे जो रेल कॉर्पोरेट के अंदर वर्किंग होगी अभी फिलहाल के लिए, ये उनके लिए होगी। लेकिन ये विज्ञापन अच्छा है, इसमें एक्सपीरियंस वाले विद्यार्थियों को भी लिया जा रहा है, इसमें नए विद्यार्थियों को भी लिया जा रहा है, तो यानी कि सबके लिए इसमें विज्ञापन जारी हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता आने की कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन फीस नहीं होगी, बिल्कुल सीधी वैकेंसी, एग्जाम दोनों में नहीं होने वाली। और क्यों क्यों नहीं होने वाली, इसके लिए आप लोगों को यहां पे देखिएगा एक वर्क एक्सपीरियंस वाले कॉलम में यहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया सबके लिए। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।